मुझे किरण ही बोली, आप मुझे मैम तो मैम मत बोलिए। ओके तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। आज बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और बात करेंगे आज हम कुछ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की थ्योरिकल पार्ट को। अच्छा, तो सबसे पहले जानिए कि आखिर वीवीए होता क्या है। वीवीए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये आपका VB6 नहीं है याद रखिएगा, या VB.NET नहीं है, डिफरेंट है। क्योंकि VB6 और VB.NET की मदद से आप एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन VB आपके लिए एक्सेल में नए टूल्स, नए फंक्शंस, नए कमांड क्रिएट करता है। एक तरह से कह सकते जी हैं कि VB की मदद से एमएस ऑफिस में, सिर्फ एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सारे एमएस ऑफिस के जो पैकेज है उसके हर एक एप्लीकेशन के लिए आप एप्लीकेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ ऐड कर सकते हैं। तो वीवीए का जरूरत क्यों है पहले चीज को जानिए, क्योंकि एक्सेल में इनबिल्ट फीचर बहुत सारे हैं। हम अपनी मोस्टली काम एक्सेल के इनबिल्ट फीचर से कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, फॉर्मूला है और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमारे पास जो काम आता है या जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक्सेल के अंदर में कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। अगर फीचर अवेलेबल है भी तो वो लेंदी है या उस काम को पूरा नहीं कर रहा। इस केस में हम वीवी करके अपने लिए एक नया टॉपिक क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा पहले मैंने समझाया था कि एक हमने सेटअप बनाया था जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस, मतलब एक टेस्ट ले सके। तो एक हमारे क्वेश्चंस थे और इसके यहाँ पे सारे आंसर्स जमा होते हैं। तो जैसे एग्जांपल अच्छा मैं इसको रन करके बताता हूँ, टेस्ट रन करते हैं, मुझसे अपना नाम पूछ रहा है, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे मान लीजिए सुजीत, और हमने ओके किया। तो यहाँ पे देखिए मेरा सुजीत आ गया। अब यहाँ पे मेरी पहली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी दिख रहा है, बाद में इसमें हाइड कर दूंगा। मैं सबसे बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर वन, एक्सेल एक्सटेंशन मैंने बोल दिया डॉट एक्सेल एक्स, और जैसे मैंने ओके किया ये आंसर हमारा यहाँ स्टोर हो गया। ओके टीचर्स, नॉर्मल एक्सेल में इस तरह की चीजें कस्टमाइज नहीं कर सकते ना। तो ये चीजें हम एक वीवी के थ्रू करते हैं, और बाद में इसमें तो आगे भी है, आगे भी ऑप्शंस हैं कि बाद में इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि हम रिजल्ट भी बता देंगे, रिजल्ट कितना है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की कस्टमाइज चीजें हम का जो यूज है, जो क्रिएशन है, हम वीवी के थ्रू करते हैं। अब बात करते हैं जी वीवी के थ्रू हम क्या क्या बनाएंगे। वीवीए मान लीजिए एक फैक्ट्री है, तो उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट सबसे पहला है माइक्रो। अब माइक्रो क्या होता है, माइक्रो को हम ये कह सकते हैं ऑटो पायलट। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसको बनाने में आपको 1.5 घंटे का टाइम लगता है और आप करीब 100 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप लोग वो 100 स्टेप्स को वन बाई वन आपने वीवीए में, वीवीए प्रोग्रामिंग में माइक्रो के अंदर कोड कर देंगे। ये दिख रहा है माइक्रो दिख रहा है, तो आप इसको कोड कर देंगे। इसमें यहाँ पे कोड कर दिया हुआ, वन वन जब रन होगा तो आपकी उस काम जो आप मैनुअल कर रहे थे उस काम को करेगा, वो भी आपसे 1000 टाइम फास्ट। ठीक है, मान लीजिए ना कि आपने, आपका काम है कि आप पहले एक फाइल को ओपन करते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, एक सीट पे पेस्ट करते हैं, उस पर पिवट लगाते हैं, पिवट में आप रो एंड कॉलम पे कुछ रखते हैं, फिर एक चार्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसको कॉपी करके एक नई पेज पे पेस्ट करते हैं, फिर उसको आप मेल करते हैं। एक पूरा प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को आप अपने जो स्टेप्स है सारे स्टेप्स को वन बाय वन आपने कोड कर दिया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ऑटोमेटिकली फाइल ओपन करेगा, डेटा कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा नई सीट पे, फिर पिवट लगाएगा, पिवट पे फिर चार्ट लगाएगा, फिर कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा और ऑटोमेटिक मेल कर देगा। और जितना जल्दी मैं बोल रहा हूँ ना उससे भी जल्दी टाइम में आपको दे देगा। ठीक है, तो ये काम हमारा माइक्रो करता है, राइट। तो माइक्रो हमारा जस्ट ऑटो पायलट है। तो दूसरा आता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन
फंक्शन जिसको आप आम बोलचाल में लोग बोलते हैं फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप, जी लुकअप, इस तरह के फॉर्मूले। तो एक्सेल में तो बहुत सारे इनबिल्ट फॉर्मूले हैं, हाँ सर, फिर भी आपका जो वीवी के जरिए, अच्छे से मान लीजिए वी लुकअप की बात करें, तो वी लुकअप में आपका मल्टीपल लुकअप जो है, मान लीजिए आपके पास अगर एक ही तरह के एक कॉलम में एक ही नाम कई बार रिपीटेड है, तो वी लुकअप लगाते हैं तो सबसे पहला ही दिखाता है रिजल्ट, आपको सारे रिजल्ट चाहिए। इसके लिए तो फॉर्मूला वी लुकअप में नहीं है ना, एक्सेल में भी नहीं है। नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक खुद का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं जो कि वी लुकअप की इस वीकनेस को दूर कर देता है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले के लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस को दूर करके हम एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं, पहली चीज। और दूसरा फंक्शन ये यूज होता है कि जैसे माइक्रो हम यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट, एक ऐसी प्रोजेक्ट बनाई जिसमें आपने एक कैलकुलेशन है जिसको आपने 10 जगह किया हुआ है, उस कैलकुलेशन की कोडिंग मान लीजिए 5 लाइन की है, तो 10 50 50 लाइन आपकी होगी। तो हम क्या करेंगे, उस कैलकुलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर जहां पर इसकी जरूरत वहां पर हम कॉल करेंगे। मतलब कि फंक्शन सिर्फ एक्स फॉर्मूले के लिए ही नहीं यूज होता है, माइक्रो भी इसको यूज करते हैं, समझ गए। जी सर, और तीसरा हमारा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब कि इंटरफेस, यूजर अच्छा फॉर्म इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपने माइक्रो पे क्लिक किया तो पॉपअप आया ना, तो हाँ मुझे इस तरह के पॉपअप क्रिएट करना है। अच्छा जैसे मान लीजिए कि आप पिवट जानते हैं, पिवट टेबल, हाँ पिवट टेबल हम जानते हैं। तो पिवट टेबल जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे कितने ऑप्शन होते हैं, सिलेक्ट रेंज, सिलेक्ट एक्सटर्नल हाँ सोर्स, उसके बाद आपके पास मूव न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इनबॉक्स। लोकेशन। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास ये सारे चीज पिवट टेबल अगर मान लीजिए फीचर नहीं होता, वीवी के थ्रू बनाते, तो आपको कितने बनाने पड़ते, पहले मैक्रो कि सिलेक्ट रेंज विथ न्यू शीट, दूसरी माइक्रो सिलेक्ट रेंज विथ एक्सटेंशन शीट, इसके बाद यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स विथ न्यू वर्कबुक, एक्सटर्नल डेटा सोर्स विथ एग्जिस्टिंग वर्कबुक वर्कशीट। तो 5 7 माइक्रो बनाने पड़ते हैं ना, हाँ करने वाले को तो कंफ्यूजन होती। अच्छा चलो आप एक्सपर्ट है तो आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन मान लीजिए जरूरी नहीं कि हम अपने लिए बनाए, हम थर्ड पर्सन के लिए भी बना सकते हैं। अब उनको माइक्रो की नॉलेज नहीं है, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये जी इंटरफेस बन गया तो कितना अच्छा है कि हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके बटन पे वो सारी कोड की गई है जो कि जिसके हिसाब से वो पिवट लगा देगा। तो इंटरफेस भी बहुत अच्छा चीज है। अब जैसे एग्जांपल, एटीएम बहुत सक्सेसफुल है बट नेट बैंकिंग अभी भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है, सबके पहुंच में नहीं है। क्या बोले आप, एटीएम और जैसे एक बैंक अगर मान स्टेट बैंक है, मान लीजिए कि 4 करोड़ कस्टमर है तो 3 करोड़ का एटीएम होगा, लेकिन एक से कम लोगों के पास नेट बैंकिंग होगा। इसका रीजन क्या, इसका रीजन था कि एटीएम जो है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, या फिर उसको कह सकते हैं यूजर इंटरफेस। तो जब भी आप ऑटोमेशन करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपका ऑटोमेशन बेस्ट यूजर इंटरफेस होना चाहिए, जी ठीक है। तो ये जी इंटरफेस का काम है, वो इंटरफेस का काम करता है हमारा यूजर फॉर्म, यूज़फुल यूजर फॉर्म। यहाँ डेवलपर में यहाँ जाके देखिए, इरा यूजर फॉर्म आपका, इंसर्ट यूजर फॉर्म, अच्छा यूजर फॉर्म है। अपने हिसाब से जो इस पे टूल चाहिए, आपको चेकबॉक्स चाहिए, आपका बटन चाहिए, जो करना चाहते हैं इस तरह से उस पर आप बना सकते हैं। अच्छा सर, हम लोग जो चार्ट बनाते हैं एक्सेल में, तो ऊपर में जो बटन दिखता है ना, कोई भी चीज का पूरा हमको चाहिए, बटन चाहिए, बटन में नाम लिखा होना चाहिए, फिल्टर का, ऑप्शन का, तो वो यूजर फॉर्म से बनता है। अच्छा हाँ, यूजर फॉर्म से जो पॉप, यूजर फॉर्म से आपका पॉपअप आता है, पॉपअप जैसे स्पेशल आता अच्छा हो, ये पॉपअप आया ना आपका, ये इस तरह के पॉपअप बना सकते हो। इस पॉपअप के ऊपर अपने हिसाब से जो बटन सटन यूज करना कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो अच्छा एक्सेल सीट के ऊपर कुछ बटन बनाना चाहता हूं, तो वो आपको आप डेवलपर में आपके इंसर्ट में ये रहा बटन आपका, सिलेक्ट करके आप बटन बना सकते हो, अच्छा ये बटन आपका हो गया, ठीक है ना।
क्लिक करके आपका वर्क हो जाएगा, जी सर, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम माइक्रो के जरिए तीन चीजें बनाते हैं, वीवे के जरिए तीन चीजें बनाते हैं। पहला होता है माइक्रोज, दूसरा होता है फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला, और तीसरा होता है इंटरफेस मतलब कि यूजर फॉर्म। तीनों के बारे में माइक्रोज का माइक्रो ऑटोमेशन होता है, किसी भी काम को के माइक्रो बना सकते हैं जो कि खुद ब खुद सिस्टम कर देगा। 100 लोगों का मेल भेजना है, क्लिक किया और 100 लोगों को मेल भेज देगा। फंक्शन के जरिए हम अपने फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि एक्सेल में भी यूज किया जा सकते हैं और मैक्रोज में भी यूज किया जा सकते हैं। और यूजर फॉर्म के जरिए हम अपना पॉपअप बार बनाते हैं जिसमें अपने हिसाब से कुछ भी बटन शटन ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी सर। अब हम बात करते हैं कि हम माइक्रो का इस्तेमाल करेंगे क्यों, नीड क्या है, मैंने किस चीज में नीड हो। तो याद रखिएगा, माइक्रो का काम हम दो सिचुएशन में करते हैं। पहली सिचुएशन कि ऐसा कोई काम जो कि आपको बार बार करना है, समझे? जी सर। कि आपकी एक रिपोर्ट है, मान लीजिए कि डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को आपको हर दिन बनाना पड़ता है और हर दिन आपको 2 घंटे टाइम लेता है। तो आप इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, माइक्रो बनाएंगे, ताकि आपका हर 2 घंटे बच जाए। क्या अब ऐसा? हाँ सर। आपके पास एक डेटा आया और उस पे बोला कि भाई एक शेयर डेटा है, इसमें मंथली समरी दे दो मुझे। अब ये रिपोर्ट आपकी पहली बार आई है, इन फ्यूचर आएगा या नहीं आएगा, और उसको बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगने हैं। अब इसके लिए आप प्रोग्राम तो नहीं करोगे ना? नहीं, क्योंकि प्रोग्राम करने में तो आपको उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम प्रोग्रामिंग तब करेंगे क्योंकि हम इसके लिए टूल्स जनरेट कर रहे हैं। हम तो टूल्स उस चीज के लिए जनरेट करेंगे जिसके लिए हमें डेली बेसिस पे यूज हो। आप ऑफिस आने जाने के लिए कार खरीद सकते हो, लेकिन मान लीजिए कि आप एक बार घूमने जाना है तो इसके लिए कार थोड़ी खरीदोगे। वही बात यहाँ पे है कि अगर आपको डेली वर्क है तो आप माइक्रो क्रिएट करोगे। कभी कभी क्या काम आया या फिर पहली बार काम आया, इन फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा कुछ गारंटी नहीं है, सिंपल है, तो आप उसके लिए नॉर्मल माइक्रो जो है उसी का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? जी सर। आता है कि कोई ऐसा काम आया लेकिन वो एक ही बार आया है लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक यहां से एक काम करता हूं, एक लेता हूं, मान लीजिए हमारा, ठीक है, और मैंने इसकी लिस्ट को यहां से कॉपी कर लेता हूं, लिस्ट हमने कॉपी कर लिया और एक्सेल पे मैं पेस्ट करता हूं। हमारी वेबसाइट का लिस्ट है और ये लिस्ट पहली बार आया हुआ है और इन फ्यूचर में अच्छा इसकी गारंटी नहीं है। और मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट का मुझे लिस्ट निकालना है। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक इसका यूआरएल चाहिए मुझे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें यूआरएल कंप्लीट जैसे इंडिया लिस्ट, अब इंडिया लिस्ट .com है, .co.in है या .org है, .ac.in क्या है? तो ये जो हाइपरलिंक है, जैसे जो हाइपरलिंक जो आया है इस पे पूरा लिंक दिया हुआ है, मतलब कि मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट हाइपरलिंक पे जाना है और इसे इसका हाइपरलिंक यहां से कॉपी करना और यहां पे पेस्ट करना है जी। और ऐसी लिस्ट मेरे पास इधर 23 है, ऐसे लिस्ट में मान लीजिए मेरे पास जो है तकरीबन 3 लाख है।
तो 3 लाख के ऊपर इस तरह के काम करने में मुझे लग रहा है कई हफ्ते लग जाएंगे। अच्छा बहुत करोगे तो एक दिन में आप 1,000 या 2,000 का लिस्ट बनाइएगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और उसकी गलती भी हो सकती है, गलती के चांसेस भी है। हाँ मैं इस पे क्लिक करूं और इस पे इसका पेस्ट, इसकी मैंने इसका इस पे पेस्ट कर दूं, गलती हो सकती है ना, कॉपी करने में भी छूट सकता है छूट सिलेक्ट सकता करने है, में या ऊपर वहां पे नीचे भी। हो सकता है, या फिर डबल डुप्लीकेट जी हो सकते हैं। हाँ तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम वीवीए का यूज करेंगे, हम मैक्रो बना ले या फंक्शन बना ले, वो डिसाइड डिपेंड करता है हमारे यूजर्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक फंक्शन बना ले, अच्छा यूजर यूआरएल। अब मैं एक कोडिंग क्या लिख रहा हूं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको मैं यहां बता रहा हूं कि हम मैक्रो कब यूज करेंगे। जी और यहां पे मैंने कर दिया यू आर एल इक्वल टू एन डॉट हाइपरलिंक, बस एक लाइन की कोडिंग मैंने कर दी। अब मैं अपना फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल यू आर एल, इसको सिलेक्ट किया, समझ गया। जी सर। तो आपको दो सिचुएशन में, एक तो रिपीटेड जॉब ऐसे काम जो हम बार बार करने हैं, या दूसरा आपका लेंथी वर्क जो एक काम आया लेकिन मेरा एक काम डेली नहीं है, एक ही बार आया लेकिन जी है, करने में काफी टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम वीबीए करेंगे, समझ गया। जी सर जी सर अब बात आती है कि आप मैक्रो बनाए किसके लिए। देखिए आप ऐसे फाइल पे मैक्रो लॉक का यूज करने से बचे जो फाइल पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे आप एक रिपोर्ट 200 लोगों को मेल करते हैं तो उस पे बचे, क्यों? क्योंकि 200 लोगों में से सबके सब तो आपको मैक्रो वाले नहीं होंगे जिसको मैक्रो पता हो, क्योंकि हर सिस्टम का माइक्रो सिक्योरिटी जो होता है वो डिसेबल होता है। अच्छा तो डिसेबल होने का कारण क्या है कि उनको फाइल ओपन करते समय माइक्रो जो है वो फीचर्स वर्क नहीं करेगा, जबकि तक कि वो माइक्रो को अनेबल नहीं करेंगे, और ओपन करते ही एक पॉपअप में सिक्योरिटी वार्निंग दिखेगा। अब जिस वीवीए के बारे में नॉलेज है वो समझ जाएगा कि हमने माइक्रो अनेबल कर लेते हैं, फाइल वीवीए लगा है, लेकिन जिनको वीवीए के बारे में पता नहीं तो समझेंगे कि यार फाइल के साथ तो वायरस है, वो डिसेबल कर देंगे, अनेबल करेंगे, कैंसिल पे क्लिक कर दो। तो उनको आपको सबको बताना पड़ेगा कि भाई आप माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल करो तो भी मेरी फाइल की माइक्रो वर्क करेगा, ये तो काफी ज्यादा सरदर्दी हो गई ना। हाँ तो ऐसे फाइल पे बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक आप माइक्रो इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप फाइल अपने लिए बना रहे हैं तो आप जितना मर्जी उतना माइक्रो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी सर सिचुएशन था। अब दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि आप बीवी जो सीखने जा रहे हैं इसके लर्निंग के लिए क्या प्रिपरेशन करें। सबसे पहली जो मैंने आपको वीडियो लिंक दी थी उसको तो आप देख लीजिएगा। दूसरा, आपके पास प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए। मैं पहले बता देता हूं, मैं अगर आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं है तो वीवीए सीखना पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ क्लास होने से वीवीए नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वीवीए जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा आपको, तो प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी, जब मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने एक वेबसाइट को रीड किया था, वो मेरी वेबसाइट नहीं है, लेकिन क्या है मैंने पहली बार इसे बहुत कुछ सीखा था, इसलिए मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ। तो ये वेबसाइट है excel-vva.com, excel-vva.com। इसमें आपके कई सारे चैप्टर्स हैं, तो ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा थ्योरिकल नॉलेज और बढ़ेगा आपका, अच्छा ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक बार टाइम निकाल के जितना हो सके उतना पढ़िएगा तो आपकी वीवीए नॉलेज थोड़ा सा और शार्प होगी, और जी सर जब थोड़ा सा वीवीए आप जान जाएंगे तो हम आपको बुक प्रोवाइड तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़िए,
और जो मैंने आपको थ्योरिकल पार्ट बताई उसको याद रखिएगा। इसको याद इसलिए रखना है कि आगे चल के, जैसे कि मान लीजिए कि यही पे बात करते हैं, अभी हमने फंक्शन इस्तेमाल किया, तब यहाँ पे फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया, हमने मैक्रो क्यों इस्तेमाल किया, तो जरूरत पड़ती है। जी फंक्शन क्या करता है, अपडेट करता है तुरंत फॉर्मूले के अंदर, मैक्रो जी हर बार आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों पर, क्योंकि अगर आप इसकी थ्योरिकल पार्ट को समझते हैं तो उसको समझने आपको, मतलब किसी को अगर मैक्रो सजेस्ट कर रहे हो तो कहाँ सजेस्ट करना है, ये चीजें जानने के लिए आपको सहायता अब बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि हमें किस फाइल पे मैक्रो यूज करना चाहिए, किसके लिए यूज करना चाहिए। क्योंकि हम बच्चों को बोलते हैं कि आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए एक्सेल, कि आपकी वो आप नॉर्मली एक्सेल के जरिए सॉल्व करें। इसका रीजन ये है कि अभी मैंने जो वीबीए फॉर्मूला बनाया, अब ये सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन पे वर्क करेगा, वेब वर्जन अच्छा करेगा या फिर गूगल सीट पे वर्क नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे से, आपने किसी को मेल किया, बहुत सारे लोग मोबाइल से इसको देख लेते हैं, तो मोबाइल में तो वेब एप्लीकेशन ही होता है ना, तो आपके फीचर्स वर्क नहीं करेंगे, तो आपके जो फीचर्स है वो वर्क नहीं करेंगे बीबीए के। तो तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन बनाऊंगी वो सिर्फ मेरा आप क्या बोले डेस्कटॉप वर्जन में मतलब खाली वर्क करेंगे, जो भी मैं राइट, यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगी। फंक्शंस बनाए या फॉर्मूला बनाए या माइक्रो बनाए, इस या वगैरह बनाया आपने, ये जो फॉर्मूला सारे चीज जो वीवीए से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सिर्फ आपके डेस्कटॉप वर्जन पे ही वर्क करेगा, वेब वर्जन पे वर्क नहीं करेगा। ओके सर, समझ गए ना, क्योंकि जी सर, इसको कंपाइलर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कंपाइलर, अच्छा ये जो एडिटर है, एडिटर एक कंपाइलर से बोलते हैं, हर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के लिए एक कंपाइलर चाहिए होता है जो कि उनके कोड को सीक्वेंस में कंपाइल करके वर्क करेगा, तो ये चीज वर्जन में नहीं होती है। बिल्कुल सर, ठीक है, तीसरी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में, कि रिकॉर्ड मैक्रो कैसे वर्क करता है और क्या बेनिफिट है, और लर्नर्स के लिए कैसे यूजफुल है। ठीक है, जी सर, तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा धीरे लेके चल रहा हूं, क्योंकि अभी आपको कि आपकी लर्निंग का हैबिट नहीं है,